कैसे हो आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जॉन अमोर। आज के हम इस एपिसोड में देखेंगे माइंड करना सीखेंगे। मैंने एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया है, तो चलो शुरू करें। ये है वो वर्ड, इसमें मैंने एक छोटा सा टेम्परेरी घर बनाया है और आज हम सीखेंगे माइंड कैसे करने हैं। इस एपिसोड में पिछले एपिसोड की वॉइस जो ख़राब हो गई थी, इसमें मैं अपडेट के ज़रिए बता दूं कि मैंने थोड़ा सा ही प्रोग्रेस किया है, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ, इसलिए चलो शुरू करते हैं माइंड करना। माइंड करने लई आपां नूं पहलो ठीक है, सही है। पहलो आपां औजार बना लिए, स्टोन पिकैक्स। आयन दी तो ये लोड़ नहीं। क्राफ्टिंग टेबल में हम कोबल स्टोन चाहिए हमें, अभी तो नहीं है हमारे पास। है इस टेस्ट में मैंने थोड़ा सा माइंड किया था, बताया था ना आपको। ये मुझे डेजर्ट में एक टेंपल मिला था, डेजर्ट टेंपल, मैंने वहाँ पर लूट की थी। वहाँ भी हम जाएंगे एक बार, देखेंगे जाके टेंपल पर। पहले आयरन वुड आयरन पिक एक्स बना लिए, फिर हमें चाहिए एक थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं आयरन पिक एक्स, काफ़ी है इतनी। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, टॉर्च भी ले लिया हमने, और थोड़ा सा खाना ले लेते हैं। अब हमें एक बाहर तो अंधेरा हो गया, रात होगी रात। जितना टाइम अंधेरा है जहाँ पर, तब तक मैं माइंड कर लेता हूँ। माइंड हम अभी 58 by F3 दबाकर हमें ये इसके कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे। कोऑर्डिनेट्स में हम सिर्फ वाई को देखेंगे, वाई हमें चाहिए आयरन और डायमंड। डायमंड और आयरन लेने के लिए हमें 16 पर जाना होगा, 16 नीचे, इसलिए F3 + G जब दबाएंगे तो हमारे चंक्स निकलेंगे, शो होंगे, और वहाँ पर हमें उसके सेंटर पर हमें 4 ब्लॉक्स खुदाई करनी होगी। हम जहाँ पर गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का आध
आधे से, 8 × 4 चार में, दो ब्लॉक्स उधर से लेंगे, दो ब्लॉक्स इधर से। ये मैंने निशानी एक निशान लगा लिया एक ब्लॉक का, बहुत है। अब दूसरी साइड भी देख लेते हैं। इसका सेंटर भी निकालना पड़ेगा, जहां से हमें एक बात हमेशा याद दिमाग में रखना कि जब भी हम माइनिंग करेंगे तो जब आयरन होगा ना, जो आयरन जहाँ रेड स्टोन डायमंड वगैरह कुछ भी हो, उसे हम स्टोन पिकैक्स से माइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चाहिए आयरन पिकैक्स, इस बात का ध्यान रखना। ये मुझे सेंटर मिल गया, इसके सेंटर में मैं चार ब्लॉक्स माइन करूंगा, चार में से निशान लगा लिया सेंटर का। अब मैं एक ब्लॉक जहां पर करूंगा, इसे एक ब्लॉक माइन करके छोड़ दूंगा, इसे भी माइन के इसको हम आगे बढ़ाएंगे, एक को छोड़ देंगे। और जब तक हमें चाहिए जहाँ पर स्टेयर्स पौड़ियाँ, उसे ले एक तो रात भी हुई है, पड़ी हुई है माइन में, क्राफ्ट में, माइनक्राफ्ट में, माइन में नहीं माइनक्राफ्ट में। तो तब तक मैं माइन कर लेता हूँ। हमें वुड भी चाहिए, वुड भी कलेक्ट करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं बहुत जल्द वुड लेकर। सुबह हो गई है तो अब हम वुड कलेक्ट करेंगे। वुड कलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए वुडन एक्स, वुड एक्स जो भी है छोड़ो उसे। हमें कम से कम 64 ब्लॉक्स तो चाहिए चाहिए, क्योंकि वुड की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसलिए जितना वुड हो सके कलेक्ट कर सकते कर लो। मुझे तो फिलहाल अभी तो 64 ही काफ़ी हैं, आगे लोड पड़ेगी तो दोबारा से कर लेंगे। वुड यहीं रहेगा क्या, कहीं जाएगा तो नहीं। चलो मैं वुड कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। मैंने वुड कलेक्ट कर लिया है, 64 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलेगा कोई ना। अब मुझे इसके स्टेयर्स बनाने हैं। उसके लिए हमें क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत है। क्राफ्टिंग टेबल मेरे पास ऑलरेडी एक है हमारे घर में, जो हमारा टेम्परेरी घर है, वहाँ पर पहले वहाँ पर जाते हैं और क्राफ्टिंग टेबल को यूज़ करते हैं। ये दरवाज़ा मैं ओपन ही छड गया। चलो अब हमें चाहिए स्टेयर्स ये रही, लेडर्स चाहिए हमें, लेडर्स लिए हमें चाहिए स्टिक्स की
जी हमें मिल्की लेडर्स लेडर्स को बनाने के लिए हमें स्टिक्स को एच की शेप में रखना पड़ेगा। 64 लेडर्स, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा ही बना लिए। तो मैं पहले गोल्ड पिकैक्स हमारी चेस्ट में रख लेता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ आयरन की ज़रूरत है। आयरन को मैं आयरन पिकैक्स की हमें ज़रूरत है पड़ेगी। तो बारिश भी होने लग गई, बारिश में भीग जाएंगे हम। वैसे तो नाइट से तो अच्छा ही है। अब हमें डे कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान देना होगा। हमें चाहिए 16। मैं इधर नहीं, दूसरी साइड, ये मैंने बताया था आपको, दूसरी साइड जहाँ पर हम लेडर्स भी लगाते जाएंगे। ज़्यादा नीचे चले गए, चार ब्लॉक्स के बाद हम लेडर्स लगाना शुरू कर दें। चार से ज़्यादा चले गए तो लेडर्स लगाना औखा होगा। इसे हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये मेरे से ही माइन करते वक्त निकला था। चलो राइट क्लिक करने से वो लैडर्स लगेंगे अगर आप पीसी जू में खेल रहे हैं तो। चलो मैं 16 पर जाकर मिलता हूँ। हम 16 पर आ गए हैं और यहाँ इसके बाद हम 16 के बाद हम तीन ब्लॉक नीचे खुदाई करेंगे, माइन करेंगे तीन ब्लॉक, ज़्यादा नहीं, तीन ब्लॉक बस। कोल इसलिए चाहिए ही चाहिए। ये हम आगे 13 पर तीन ब्लॉक नीचे और अब हमें ये है रेडस्टोन। देखा, रेडस्टोन पर जब भी मैंने माइनिंग करना शुरू किया तो लाइट जग गई। अब जैसे ही मैं इसे स्टोन पिकैक्स से इसे माइन करूँगा, तोड़ूँगा, तो ये हमें नहीं मिलेगा। देखा, नहीं मिला। इसके लिए हमें चाहिए आयरन पिकैक्स हम बनाएंगे, पर अभी नहीं, पहले हम अपने ब्लॉक्स का काम निबेड़ लें। इसके बाद हमें जहाँ पर मैं लेडर्स लगा ही देता हूँ, तीन ब्लॉक्स हम नीचे आ गए हैं, तीन ब्लॉक्स। ये कोल मुझे चाहिए बाबू। कोल, टॉर्च लगा ही लेना, टॉर्च के बिना तो दिखता ही नहीं है। ये भी कोल हमें ऐसा करना होगा,
जो हमने चंक चंक की बाउंड्रीज निकाली थी ना, हमें एक चंक की माइन में जगह तक माइन करनी है, ता जो हमारे पास थोड़ी माइन अपनी माइन के नीचे जगह हमें मिल जाए, उसके बाद हम माइन करेंगे। असली माइन तो तब करेंगे, पहले तो हमें जगह चाहिए। लैडर्स लगाई दे, लैडर्स लगाएंगे तो आगे बढ़ते हैं। एक दो तीन, ये लग गए लैडर्स। अब हमें माइन करना स्टार्ट करना होगा, जगह बनानी पड़ेगी। इसमें मैं तीन ऊंचाई, हमें तीन ब्लॉक ही ऊंचाई रखनी है, ज़्यादा नहीं, तीन ब्लॉक बहुत है। ज़रूरत बड़ी तो बढ़ा देंगे, पर मेरे हिसाब से तीन ब्लॉक्स बहुत है। अब हम चार केव्स बनाएंगे, चार दिशाओं की ओर माइनिंग करेंगे। इसमें भी हम तीन, पहले कोल, आयन ये हमें मिला, आयन कलेक्ट कर लें पहले। आयन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आयन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और कुछ भी छोड़ दो, आयन हमेशा माइन करना चाहिए। इसमें हम पहले माइन आयन कलेक्ट कर लें, फिर हम जो हमने ब्लॉक से एक्स्ट्रा माइन किए हैं उसे हम कोबलस्टोन से भर देंगे। ये हमारी चंक की एक बाउंड्री आ गई। ये बाउंड्री तो बाहर नहीं हमें माइन करना है, अभी से बाउंड्री तक ही करना है। यह जो बाउंड्री है इसके आगे नहीं जाना है। ये एक केव होगी हमारी, अब हमें चाहिए दूसरी गन। ये हम मैं भर देता हूँ जो हमने एक्स्ट्रा की थी माइनिंग। कोल वैसे तो हमारे पास टॉर्च काफ़ी हैं, फिर भी मैं कोल कलेक्ट कर ही लेता हूँ, और भी काम आएगी। इसके हाँ एक बात और याद रखना, जैसे ही अंधेरा हो माइनिंग की जगह पर टॉर्च लगाते जाना, ताकि अंधेरा ना रहे। अंधेरा रहेगा ज़्यादा टाइम तो ज़रूरी है कि ऑक्स क्रीपर्स स्पॉन करेंगे, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ये मैंने दूसरी केव की है, अब हमें इसके ऑपोजिट साइड सेंटर है उसके चारों तरफ करेंगे, ऐसे ही बाउंड्रीज तक। ऐसे करने के बाद हमें ये जो बाकी का एरिया है वो हम सब क्लियर कर देंगे, एक चंक सारा क्लियर कर देंगे माइन करके, जो कि हमारे पास एक चंक जितनी, यानी आठ ब्लॉक्स उधर आठ ब्लॉक्स इधर तक की हमें स्पेस मिल जाए। इसके बाद ये बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई एडवाइस देनी है या कुछ भी है तो हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर। तो चलें, मिलते हैं।
अगले एपिसोड में।